असली फिक्र अशरफ अली थानवी का, उसने कहा जी रसूल से मदद नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि रसूल के तो अपने दांत, जंगे ओहद में शहीद हो गए थे, तो जो नबी अपने दांत नहीं बचा सका काफिरों से, तुम्हारी मदद कैसे करेगा। मैंने कहा फिर मदद किस से मांगे, कह लगे अल्लाह जल्ला तआलहु व सुबहानहु से, अल्लाह मियां मदद करता। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, जो अल्लाह अपने नबी के दांत बचाने नहीं आया वो तेरी मदद करने कहां से आया। जियो सलामत रहो जैसे इसके चेहरे पे मुस्कुराहट, जो अली के फजाइल पे खुश हो तो कयामत वाले दिन भी खुश रहो। नारा हैदरी, वक्त नहीं खिबला जी, मैं तवज्जो चाहता हूँ। मौलवी अतामे अरमिया बालवी ने मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के सामने मक्खी पकड़ के मक्खी का पर तोड़ के मेज पे रख के कहा था, ओ इस्माइल अगर अली मदद करता है तो अली से कहे मक्खी का पर जोड़ के दिखाए, मक्खी का पर तो अली से जुड़ता नहीं, शियों की मदद कहां से कर लेता है। यह मजमे से एक अली का मलंग निकला, उसके हाथ में मूसा का आसा था, उसने आसा को यूं फहराया मौलवी के हाथ में मार के कहता यो अली मदद, मौलवी का हाथ टूट गया, मलंग धमाल डाल के कहता है तू अल्लाह से हाथ जुड़वा के दिखा मैं अली से मक्खी का पर। शक्लें पढ़ रहा हूं, चेहरे पढ़ रहा हूं, चेहरे चेहरे नजर आ रहे मुझे। छठे इमाम के सामने बंदे ने आयत पढ़ी थी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। इस आयत का पूरा मजमा हाफिज है, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। बंदे ने पूछा मौला जायका क्या है, इमाम ने फरमाया कोई मशरक में मरे या मगरब में आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है। मैं फिक्रा भी पढ़ रहा हूं, चेहरे भी पढ़ रहा हूं, आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है। मोमिन जब अली को देखता है तो मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती है, और जब मुनाफिक अली को देखता है तो मौत जहर से ज्यादा कड़वी हो जाती। मरने के इंतजार की जरूरत नहीं, दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। दुनिया में अली का जिक्र करो, चेहरे पढ़ो। बिजली का करंट हीटर को लगे तो गर्मी निकलती है, यही बिजली की तार एयर कंडीशन को लगा दो सर्दी निकलेगी। करंट एक नतीजे दो, क्योंकि जर्फ तब्दील हो गया है, बोलेगा वही जिसकी आवाज अली को पसंद होगी। हीटर को करंट मिले गर्मी निकलती है, एयर कंडीशन को निकले सर्दी निकलती है, क्योंकि सामने जर्फ तब्दील है। अली वलीजुल्ला में भी करंट है, हलाली सुने तो दिल ठंडा हो जाता है, हरामी सुने तो दिल जल कर रहा है। सिरात अल मुस्तकीम, खुदाया हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। नौ मर्तबा मुसलमानों के हजरत अबू बकर ने रसूल से पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है, नौ मर्तबा नबी ने फरमाया बैठ जाओ, दसवीं मर्तबा खुद नबी ने फरमाया अब पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। सलामत हो, आबाद हो, शाद रहो, आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, शिया सुन्नी उलमा ने अपनी किताबों में लिखा पैगंबर ने फरमाया अब पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। अबू बकर ने उठ के पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है, नबियों का सुल्तान।
انسان اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا, پورا کا پورا علی کی طرف مڑ کے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما. اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. علماء سے تصدیق کرو صراط مستقیم علی ہے. اور شیطان کیا کہہ کے آیا تھا؟ اللہ تیری زندگی کرے شہزادہ علی اکبر دی جتیاں نہ صدقہ. اس نے کہا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. بڑا کمینہ ہے شیطان, یہ چھوٹے چھوٹے بٹن بند نہیں کرتا, مین سوئچ آف کرتا ہے. اس نے کہا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا, جو بھی جب بھی جہاں بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھنا شیطان ہے. شیطان کوئی چھوٹا موٹا ہے؟ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت, عالم, ساری زندگی بغیر تنخواہ کے نوکری کر کے اس بندے کے حکم میں مذہب تبدیل کر دوں گا جو ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں. سارے حلال جانتا ہے, سارے حرام جانتا ہے. نہ جانتا ہوتا تو حلال ہی سے کیوں روکتا؟ نہ جانتا ہوتا تو حرام ہی کی طرف کیوں دعوت دیتا؟ عالم ہے, عقیدہ نہیں رکھتا. جس کے پاس علم ہو عقیدہ نہ ہو حرامی ہوتا ہے.